दिल बेचारा एक ऐसी फिल्म जिसका सुशांत के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दिल बेचारा एक ऐसी फिल्म जिससे सुशांत के फैंस काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसे जैसे दिल बेचारा की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, वैसे वैसे डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के कंधों पर जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आइए देखते हैं सुशांत की अंतिम फिल्म और अपनी पहली फिल्म दिल बेचारा को लेकर डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का क्या कहना है। मुकेश जी, ना जैसे जैसे दिल नजदीक आ रहे हैं, ये पहली बार ऐसा है कि कभी हम किसी फिल्म को देखने के लिए बहुत क्यूरियस होते हैं कि अरे इसको देखना है तो बेसब्री होती है। यहाँ पर एक अलग तरह का इमोशन है, हर दिन जब पार हो रहा है और 24 तारीख नजदीक आ रहा है, एक अलग फीलिंग है हमारे अंदर भी। मेरे ख्याल से आपके अंदर भी एक अलग तरह की फीलिंग होगी, एक नर्वसनेस होगा, एक गुस्बम्स आते हैं मेरे। नर्वसनेस बहुत ज्यादा है और दुख भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं खुश हूँ या दुख हूँ मुझे मालूम नहीं कि मेरी पहली पिक्चर आ रही है और सुशांत नहीं है। मुझे एक्चुअली पता नहीं कि मैं कैसे सिचुएशन को रिएक्ट करूँगा, क्योंकि कभी कभी आपको लाइफ में पता नहीं होता कि आप किस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेंगे। और क्योंकि अब जो भी इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन है और सुशांत की भी लास्ट पिक्चर है, मैं जस्ट चाहता हूँ कि वो जो उसकी जो अब लोग बोल रहे हैं कि दिल बेचारा उसका लास्ट फिल्म है, ट्रिब्यूट है, तो वो ऐसा हो ताकि लोग उसको जिंदगी भर याद रखें। वैसे तो उसको जिंदगी भर याद रखेंगे और उसके बाद ये फिल्म के जरिए भी उसको और याद रखें और उसको और प्यार मिले, जितने प्यार उसको और अभी मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ तो पागलपन और जो उसकी दीवानापन है वो इस फिल्म को मिले, पर मुझे अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह की फीलिंग को रखूँ। मैं जानता हूँ आपके पास भी बहुत सारे संदेश और मैसेजेस आ रहे होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है तो आपके इंस्टाग्राम में, आपके ट्विटर पर लोग आपको रीट्वीट करेंगे। और आप जानते हैं शायद दुनिया भर में आपकी फिल्म का ट्रेलर वो पहला ट्रेलर बन गया है जिसको सब इतने कम समय में इतनी ज्यादा संख्या में देखा गया, शेयर किया गया और इसके बारे में चर्चा हुई। यू नो, कोई ऐसे कॉमेंट्स आपके पास आए हैं फैंस के जो आप चाहते हैं कि शेयर करें आप हम लोगों से, दर्शकों से, कि किसी ने पढ़ रहा था और जब मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, जब लोग बोल रहे थे कि दिस इज द बेस्ट ट्रिब्यूट जो आपने सुशांत के लिए ऐसी पिक्चर बनाई लास्ट में, वेन ही स्माइलिंग एंड हैप्पी एंड सो, तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा इमोशनल और उसके जो लाइनें हैं, जो उसका मीनिंग अब बहुत बदल गया, उसके जो डायलॉग हैं, क्योंकि ये लाइफ की आयरनी होती है कि जब तरह की लाइनें आप लोग उस लाइन को रिएक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक वो जो लोग अभी कमेंट पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को कि इसका बेस्ट ट्रिब्यूट होगा, जिस तरह से वो लग रहा है, जिस तरह से स्माइल उसका चार, तो ऐसे बहुत सारे मुझे पॉजिटिव कमेंट मुझे मिल रहे हैं जिसे मैं थोड़ा सा तो श्योर हूँ कि शायद लोग उसको इस फिल्म को उसको इतना प्यार देंगे कि शायद लोग लाइफ लॉन्ग इस फिल्म को याद रखेंगे, क्योंकि फिल्म वैसे भी हिस्ट्री है। मुझे ऐसा लगता है कि सर इसको स्पॉन्सर्स आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हिस्ट्री बन रही है अभी जब फिल्म रिलीज के पहले ही इस तरीके से जो चर्चा है, बिल्कुल आपको इसकी शुभकामनाएं भी।